वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोइट्री। पहले आता है सोनट। सोनट हमारे पास होता है 14 लाइन का पोइम जो कि आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। इसके अंदर हम राइम स्कीम फॉलो करते हैं ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी। इसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि ये चार सेक्शंस में डिवाइड होता है, आप कह सकते हैं क्वाट्रेंस। इसके अंदर जो थीम इस्तेमाल किए जाते हैं वो लव, ब्यूटी, मोर्टैलिटी वगैरह के होते हैं। हमारे पास वो लोग जो सोनेट इस्तेमाल करते थे उसमें शेक्सपियर का नाम सबसे पहले आता है। शेक्सपियर की एक सोनेट है, सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोनेट के हवाले से। देन हमारे पास आता है फ्री वर्स, जिसके अंदर कोई भी राइम कोई भी मीटर नहीं होता, वो फ्री होता है। इसके जो फ्री वर्स है ना उनके अंदर एक नेचुरल स्पीच होता है, एक नेचुरल जो है ना स्पीच का रिदम होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है ना वो वेरिएबल होती है, वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर स्टैंडर्ड्स नहीं होते। इसके जो थीम्स हैं वो पर्सनल, इमोशनल और एक्सपेरिमेंटल होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो वाल्ट विटमैन है उसके एक बेस्ट एग्जाम्पल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि फ्री वर्स है। बैलेड एक नरेटिव पोइम होता है जिसके अंदर हमें फोकलोरिक थीम मिलता है, यानी कि जो कहानियाँ नस्ल दर नस्ल चलती हैं जिनके नरेटर के बारे में हमें पूरा पता नहीं होता कि असल में कौन था। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि ये क्वाट्रेन में होता है और इसके अंदर राइम स्कीम होता है। राइम स्कीम जो इसके अंदर हम देखते हैं वो ए बी या फिर ए बी सी भी हो सकता है। इसके अंदर जो थीम इस्तेमाल किए जाते हैं वो लेजेंडरी होते हैं, मिथिकल होते हैं, ट्रेजिकल होते हैं। मिसाल के तौर पर सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो पोइम है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। देन हमारे पास आता है ओड्स। ओड होता है एक लिरिकल पोइम जिसके अंदर इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल होता है, यानी ये स्टैंजास के साथ होते हैं। इसके अंदर जो थीम इस्तेमाल किए जाते हैं वो ब्यूटी, लव और नेचर के होते हैं। मिसाल के तौर पर जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल। देन हमारे पास आता है हैकूस। हैकूस जो कि 3 लाइन पोइम होता है जिसके अंदर सिलेबल काउंट 575 होता है। इसके अंदर जो थीम इस्तेमाल किए जाते हैं वो नेचर, सीजन्स, सिंप्लिसिटी वगैरह के होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 3 लाइन का होता है, इसके अंदर कभी कभी कटिंग वर्ड्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर स्नोफ्लैक्स जेंटली फॉल ब्लैंकेटिंग द विंटर सीन, विंटर्स पीसफुल हश, ये हमारी पोएम हो गई। फिर हमारे पास आता है लाइमरिक्स। लाइमरिक्स क्या होते हैं, जो लाइमरिक्स हैं वो 5 लाइन का एक पोएम होता है जिसके अंदर राइम स्कीम ए ए बी बी ए फॉलो किया जाता है। इसके थीम्स में ह्यूमर, विट, सेटायर वगैरह पाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 5 लाइन का होता है, ठीक है। पंच लाइन भी इसके अंदर होती है कभी कभी। मिसाल के तौर पर देयर वंस वॉज अ मैन फ्रॉम नैनटुकट हु केप्ट ऑल हिज कैश इन अ बकेट बट हिज डॉटर सो बोल्ड टुक ऑल हिज गोल्ड एंड लेफ्ट हिम विद ओनली अ बकेट। एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री हम कहते हैं एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होता है जिसके अंदर हमें हीरोइक कहानी सुनाई जाती है। इसके अंदर जो थीम्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें हीरोइज़म, एडवेंचर, मिथोलॉजी वगैरह पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर होमर का द लिलिड और द ओडिसी। कंक्रीट पोइम्स जिसके अंदर विजुअल अरेंजमेंट्स मीनिंग को बढ़ाते हैं यानी इंक्रीज करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अनकन्वेंशनल होता है, ठीक है। टाइपोग्राफी। इसके जो थीम्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल विजुअल होते हैं। मिसाल के तौर पर जॉर्ज हर्बर्ट्स की एक पोइम है ईस्टर विंग्स, वो कंक्रीट पोइम्स की बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्रोस्टिक्स क्या होते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स अ वर्ड, जो पहला लेटर होता है लाइन का वो एक नया वर्ड बनाता है। मिसाल के तौर पर हिडन मैसेज। इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वर्टिकल वर्ड्स और फ्रेज होते हैं। इसके थीम्स में हिडन मैसेज, सिंबोलिज्म वगैरह आते हैं। मिसाल के तौर पर स्प्रिंग, एस से स्प्रिंग इज़ अ टाइम ऑफ रिन्यूअल, पी से प्लांट्स बिगिन टू ग्रो एंड फ्लोरिश, आर से रोबिन सिंग देयर स्वीट मेलोडीज, आई से इन द वार्म सनशाइन, एन से न्यू लाइफ ब्रस्ट फोर्थ, जी से ग्रीन शूट्स अमर्ज। देन हमारे पास आता है किन्क्वेंस।
किनक्वेन क्या होता है? 5 लाइन का पोइम होता है जिसके अंदर सिलेबल काउंट 2, 4, 6, 8, 2 चलता है, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो 5 लाइन का एक पोइम है जिसके अंदर कभी कभी कोई स्पेसिफिक थीम भी हो सकता है। इसके अंदर थीम ज़्यादातर नेचर और इमोशन के पाए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन के पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वेव्स क्रैशिंग ऑन द शोर, फोएम एंड स्प्रे राइजिंग हाई, ओशियंस पावर एंड ब्यूटी, सेरेनिटी, ये हमारे पास हो गए हैं फॉर्म ऑफ पोइट्री।